वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं एक कॉकटेल बना के दिखाऊंगा सिंपली विस्की से। मेरे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुका है कि दादा विस्की से बना के दिखाइए। तो मैंने एक आसान सा कॉकटेल आज बना के दिखाऊंगा सिंपली विस्की और रेडबुल को पंच करके। बाय द वे, अगर आप ये डेली पीने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जी नहीं, इसको आप रोज मत पिया कीजिए। कभी कभी बना के पी सकते हैं, सप्ताह में एक दिन दो दिन, सिर्फ दो ग्लास, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेडबुल के साथ अल्कोहल बहुत डेंजरस हो जाता है। तो रिकमेंडेड है कि डेली यूज़ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, बट हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं एक ग्लास लूँगा एज यूजल, जैसे कि विस्की ग्लास से भी आप बना सकते हैं, छोटा ग्लास जो होता है जिसको ओल्ड फैशन ग्लास बोलते हैं। मैंने एक टॉल ग्लास लिया, इसमें जो गोल्ड कलर है प्रॉपर तरीके से दिखेगा, और इसमें पहले मैं यूज़ करूँगा विस्की। अब विस्की मैं यहाँ पर दूंगा 45 ml। विस्की मैंने चुना बर्बन विस्की। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लोकल विस्की से इसको बनाने के लिए, आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको डालता हूँ 45 ml। बर्बन से क्या होगा, ये ना अलग एक कैरेक्टर मतलब इसमें इन्वॉल्व होगा, क्वाइट मीठा लगने लगेंगे ये कॉकटेल जो है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग लग सकता है, तो इसलिए मैंने बर्बन को चुना। अब इसमें मैं लाइम जूस को दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी फ्रेशली स्क्वीज करके रखा था, सिर्फ 10 ml दूंगा, थोड़ा सा इस विस्की कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए, तो बस 10 ml। अब इसमें मैं दूंगा एप्पल जूस, और जैसे कि टेट्रा पैक आपको मिलता है ना, वो एप्पल जूस आप ले लीजिए, और इसमें हम लोग सिर्फ 50 ml मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा एप्पल ट्विस्ट देने के लिए। चलिए 30 ml मैंने एप्पल जूस भी डाल दिया। अब लॉट्स ऑफ आइस दे दीजिए, तो ये लीजिए मैं लॉट्स ऑफ आइस भी डाल दिया, थोड़ा सा और लग रहा है आइस चाहिए, तो ये लीजिए कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है। अभी इसमें हम लोग अंदर में डाल देंगे इसको। अब फाइनल टच में आपको देना होगा रेड बुल। अब और भी एनर्जी ड्रिंक्स मिलता है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, मैं रेड बुल से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कॉकटेल बनाया था बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैं रेड बुल से टॉप अप कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूँगा। अब इसमें गार्निश, और गार्निश में आप सबसे बेस्ट है एप्पल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एप्पल है, तो आप दे सकते हैं एप्पल काट के। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, मैं पियर्स दूंगा। अब गार्निश हम लोग क्यों देते हैं, ये एक इंडिकेशन है कि आपका कॉकटेल क्या है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है। अगर मान लीजिए इसमें मैं कुछ हरा मिर्चा दे देता, तो आप समझ जाते कि ये कॉकटेल तीखा लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मीठा प्रोडक्ट को हम लोग देंगे, मतलब फ्रूट्स को देंगे, जैसे कि मेरे पास पियर्स था, तो मैंने सोचा चलो यार पियर्स दे देते हैं। अब पियर्स को हम लोग कैसे काटेंगे, ये लीजिए, वो एक फैंटास्टिक डिज़ाइन में काटते हैं। चलिए ये देखिए, काफ़ी कमाल लगता है देखने में। ये साइड का हटा दीजिए और इसमें एक पिन घुसा दीजिए, जैसे कि एक रेगुलर गार्निश है ये। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके स्प्रेड कर दीजिए, ये बन गया आपका कॉकटेल। के देखिए कितना शानदार लग रहा है ना, कितना फैंटास्टिक लग रहा है ना। चलिए इसको खा लेते हैं। अब टेस्ट करते हैं, रेड बुल का जो नेचुरल फ्लेवर है उसके साथ विस्की का जो कॉम्बिनेशन है, क्वाइट फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग कॉकटेल है। आप दोपहर को भी पी सकते हैं, आप शाम के टाइम पे भी पी सकते हैं, इवन आप रात को भी पी सकते हैं। तो ये था
आज का कॉकटेल। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तब जाके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।